नमस्कार, मी रिताली, इंडिया टीव्ही न्यूज च्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी। ठाणे से सेट कलवा में फिल्मों में रोल देने, घर दिलाने के नाम से लाखों रुपए लेकर आसिफ खान फरार हो गया है। आसिफ खुद को कोई पदाधिकारी बताता है। इतना ही नहीं, फिल्मों का डायरेक्टर बात के कितने लोगों के साथ ठगी की है इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। अब रोज रोज एक एक उसके कारना में सामने आना शुरू हो गया है। कलवा पुलिस स्टेशन को शिकायत और अर्जी स्थायी लोगों ने दिया है, पुलिस जांच में जुटी है। क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम अतुल अग्निहोत्री है और मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना का कारण है आसिफ खान, कलवा ईस्ट में रहता है वो, और मेरा जान पहचान करवाने वाला साइलेंट गौ उर्फ छोटू उसका नाम है, जो उसने मुझे जान पहचान करवाया। उसने मेरा कितना पैसा लिया आपका, क्या क्या? मेरा वो पैसा लिया, पैसे के साथ साथ में मेरी जान को भी खतरा है। उसने धमकी दिया, एक दो बार रास्ते में रोका और बोला जान से मार दूंगा। जमीन के चक्कर में उसने बोला जमीन दूंगा, जमीन दिया नहीं। लोगों से ठगी करता है, जमीन घर बेच देता है लोगों का, जमीन ले लेता है लोगों को, बेटी बहन के साथ गलत करता है, वो कुछ भी करता है सर। और ठगी का खार घर और मुमरा जहाँ पे वो देखता है ना, एरिया के हिसाब से उसका एक पूरा बहुत बड़ा गैंग रॉकेट है, वो रैकेट चलाता है। उसके साथ में बहुत से लोग शामिल है, जैसे सब्बू हो गया, अयूब हो गया, और एक मिनट, सब्बू है, आशिफ खान, खलील मियां, ये लोग, और इनके साथ में बहुत बड़ा गैंग रॉकेट चलाते ये लोग। इनको कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये लोग बहुत दिन से यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, लोगों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फिर भी इनका पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? लोग चौकी में जाते हैं तो आपको क्या धमकी दिया? मुझे बोला सर आप, पैसा मैंने उनको दिया 3.5-4 लाख रुपए, जमीन बोला उन्होंने मैं आपको देता हूँ। वापस उसने जमीन भी नहीं दिया, और जमीन के साथ में उसने बोला पिक्चर में काम देता हूँ, वो भी नहीं दिया। और पैसा मांगने गया तो उसने सर धमकी दिया और मारने के, जान से मारने की मुझे धमकी दिया, जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तुझे गायब भी कर दूंगा। और मेरा शिवाजी नगर में फैक्ट्री है कलवा ईस्ट में, वहां पे फैक्ट्री में बोलते हैं मैं ड्रग्स रखा दूंगा, कंपनी बंद करवा दूंगा, तेरी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा, यहाँ पे दिखने का नहीं, मेरे पास पैसे का नाम भी नहीं। आपने पुलिस स्टेशन को किया? पुलिस, कलवा पुलिस स्टेशन में गया था सर, मैंने एक अर्जी भी दिया है, उसका अर्जी को 20 दिन से ऊपर हो गया, उस अर्जी पे भी मेरा कोई सुनवाई नहीं है। और एनसी भी करके आया हूँ, 10 दिन हो गया है, उस एनसी पे भी कोई सुनवाई नहीं है सर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आप लोग बताइए मुझे, किसके पास जाना चाहिए? मेरे साथ घटना ये हुई सर कि मैं पहला कलवा शांति नगर में रहता था, वहां पर मेरा रूम था, तो आसिफ ने मेरे साथ में मतलब धोखा ये किया सर, वहां पे मेरा घर बिकवा दिया और 10 लाख में घर बेचा मेरा उसने, और बोला क्या कि मैं तुमको दूसरी जगह रूम दूंगा और फिलहाल तुमको सेफ्टी में रहने के लिए मैं दूसरा घर दे देता हूँ, जब तक घर नहीं मिलेगा आप यहाँ रहना, और जब घर बन जाएगा उसके बाद आप अपने वहां पर शिफ्ट हो जाना। मैंने बोला ठीक है, 3 साल का एग्रीमेंट। और उसके बाद में उसने बोला, मैंने बोला सर कितने दिन में मेरा घर मिलेगा, तो बोला 2 साल में। मैंने बोला अगर 2 साल में घर नहीं दिए तो बोलने लगे कि नहीं हम तुमको उसका पैसा डबल देंगे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, हम वहां पर रहने लगे। और उसके बाद में जिसका घर था उसने भी हमको वहां से हकार दिया, बोलने लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा, ये नहीं वो नहीं, उसने भाड़ा नहीं दिया, भाड़ा दो तो रहो नहीं तो मत रहो। तो हम लोग सर अपना बाल बच्चा लेके एकदम रोड पे आ गए, और बाद में उसके पीछे घूम लिया, उसके साथ में मिला अपना आसिफ के साथ में मिला हुआ था खलील और अय्यूब, उनके थ्रू मैं वहां तक गया था, और मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। और उसके बाद में मैं जब उनके पास गया पैसे के लिए, भाई घर दो या तो पैसे दो, तो कहने लगे कि नहीं हमारे पास तो है नहीं, कुछ मिलने वाला है नहीं तुम्हारे को, तुमको जो करना है कर लो, और जिसके पास जाना है तुम जाओ, पुलिस के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाओ, जिसके पास जाना है जो करना है वो कर लो, कुछ हमारे पास। आपने इसकी शिकायत दिया? जी हमने किया है, और मतलब कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस हमको कहती है क्या कि आपने जो हमसे पूछ के पैसा दिया था, आपने जिसको दिया था जाके उससे लो, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, अगर मेरे कोई प्रूफ है तो लेके आओ। सर मैं तो अनपढ़ गवार था, पढ़ा लिखा था नहीं, मैं उतना समझ नहीं पाया, और उसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया। डुप्लीकेट था, और हमने दिया पिला जो रूम बेचा उसका 10 लाख था, पर उन्होंने 3 ही लाख इसमें लिखा जो पेपर हमको दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी न्यूज। तर या होत्या इंडिया टीवी न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीन वर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधा, 9320420420, 9388420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची, नमस्कार।